नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, कैसी है चंपा जी? ठीक हूँ। आज सर से जल्दी आ गए? हाँ, जरा जल्दी आ गए आज। तो आइए ना, हमारे साथ एक कप चाय पी के जाइएगा। नहीं बेटे, शारदा इंतजार कर रही होगी ना। चंपकलाल जी उठे कि नहीं? जी अभी उठे। अच्छा बेटे, अच्छा। चलता हूँ। अरे अभी अभी तो आपको बेडरूम से उठाया है, आप यहाँ आके सो गए? ओ चंपा डार्लिंग, मेरा चाय का कप कहाँ है? तुम्हें तो मालूम है कि मैं सुबह सुबह चाय पीने का आदी हूँ। आप पहले उठिए तो, लाती हूँ। थैंक यू। चंपकलाल, गुड मॉर्निंग। हाउ नाइस चंपा डार्लिंग, तुम तो इसमें शक्कर डाला भूल ही गई। भूली नहीं हूँ, घर में शक्कर का एक दाना भी नहीं है। तो बाजार से मंगवा लो। बाजार से लाने के लिए पैसे चाहिए। ये सब तुम्हारा कसूर है, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं इसका इंतजाम कर लेता। शक्कर का ना? हाँ। ये इंतजाम करने से अच्छा तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते? नौकरी? हाउ सिली, नौकरी करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं चंपक लाल कभी किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, समझी? ये मेरी बात नहीं समझेंगी, माय वाइफ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव किनाई। जो सतवार पाठ कर कोई छुटी बंदी, महासुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हो सिद्धि साखी गोरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। कीजिए नाथ हृदय महम डेरा, श्री हनुमंते नमः। बजरंग बली, ये तेरी आकाशवाणी है या मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं? हे प्रभु, तेरा सिस्टम मेरे समझ में नहीं आया। बोलो प्रभु, समझ गया। जो खटखटा रहा हूं ना, उसी की आवाज है। आप तो मान गए ना? हाँ, जाइए दरवाजा। वही चंपकिया होगा और कौन होगा? प्रोफेसर साहब, ये क्या हो रहा है? सुबह सुबह सारी नींद का सत्यानाश हो गया क्या? अपने रेडियो धीरे नहीं बजा सकते? थैंक यू। अगर ये रेडियो होता ना तो मैं बंद करता, लेकिन ये मेरे नए पेइंग गेस्ट हैं। पेइंग गेस्ट? जी। क्या आपने किसी बैंड मास्टर को पेइंग गेस्ट रख लिया है? ए, ये बैंड मास्टर क्या लगाया है? हाँ, लेट्स गेट वन थिंग क्वाइट क्लियर। वी गाइस प्ले सोल म्यूजिक, राइट? तुम लोगों ने हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब कर दिया। तुम लोग को और कोई काम नहीं है क्या? यू नो यू हैव स्पॉइल्ड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ओ, तो ये तुम लोगों का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, सोल म्यूजिक है? अरे मुझे तो ऐसे लगता है किसी घर में तीन औरतें एक दूसरे पे बर्तन फेंक रही हैं। I say, who is this cartoon? कौन है ये? क्या? मैं तुम्हें कार्टून नजर आता हूँ? Yes, Mickey Mouse, Donald Duck, Wildcat,
ये चंपालाल है। चंपालाल? यू मीन फ्लावर चाइल्ड? व्हाट फ्लावर चाइल्ड? मैं चंपकलाल हूं। बहुत हो चुका, बंद करो ये सब। ये घर है, कोई स्टेज नहीं। कूल इट मैडम, कूल इट, कूल इट। लाइफ मैडम इज बट अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। अरे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लाइनें बोलकर मुझ पर रॉब मत झाड़ो। ग्रेशियस बर्नार्ड शॉ, यू आर ऑल वेट बिहाइंड द इयर्स मैन। चंपकलाल जी, ये लाइंस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की नहीं, शेक्सपियर की है। कोई बात नहीं। आई से यू रियली आर अ स्क्वायर मैन। स्क्वायर? ये कौन सी जबान बोल रहे हो भाई? इंग्लिश मैन, इंग्लिश। डोंट यू डिग मी? डिग यू? अरे तुम कोई सोने की खान हो जो मैं तुमको खोदूंगा। दिस नट विल नेवर अंडरस्टैंड। लेट्स गेट बैक टू आवर म्यूजिक। व्हाट इडियट, आज तक मेरी बेइज्जती इस तरह किसी ने नहीं की। कोई बात नहीं, देर आ है, दुरुस्त आ है। कृष्णकांत जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए चुप रहा, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आप इन, आपका मतलब इन बच्चों, बच्चों को नहीं, बैंड बजाने वालों को अपने घर से निकाल दीजिए, वरना मैं, वरना आप क्या करेंगे? कान में रुई डाल के सोइएगा। ये लीजिए रुई, मैं भी डाल के सोऊंगा। यही, मैं इन लोगों का बैंड बजा दूंगा। नट मुकल, मैं नट, नट। आपने उन लड़कों को कुछ कहा क्यों नहीं? आखिर हमारे बच्चे भी तो शरारती थे, मगर इस तरह नहीं। ये सब भी अच्छे घरों के लड़के हैं शारदा, लेकिन इन्हें किसी ने समझाया सही राय कभी नहीं। ये उम्र ऐसी होती है शारदा, अगर एक बार गलत रास्ते पे कदम पड़ जाए तो पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। आप कुछ भी कहें, मगर इतनी ज्यादती कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोमनाथ जी। मालकिन। सोमनाथ, हम लोग बाजार जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और देखना ये लड़के शोर शराबा ना करें, समझे? आप बेफिक्र रहिए मालकिन, मैं इन लोगों को इनका म्यूजिक ही भुला दूंगा। कोई पागलपन नहीं कर बैठना। मालिक, आप तो जानते हैं कि मैं हर काम सिस्टम से करता हूँ। आइए चले। देख लूंगा। The coast is clear, वो दोनों गए। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। That's yeah. right, give me E minor, follow. Okay, Ronnie. Right, Jay. Okay, up tempo. अब बजाने दो मुझे। जुगलबंदी होगी दोनों। वन टू, वन टू थ्री फोर। लगता है थक गए। What's going on? Let's start again, huh? Okay, one, two, one, two, three, four. Stop it! इसका मतलब मेरे म्यूजिक ने तुम लोगों के म्यूजिक की छुट्टी कर दी। तुम इसे म्यूजिक कहते हो? अरे आप लोगों का ये म्यूजिक है तो मेरा ये पतीला म्यूजिक है। हो जाए एक और जुगलबंदी सोमनाथ के साथ। सोमनाथ? वो तो बहुत पुराना नाम है, हम इसे सैमी कहकर बुलाएंगे। अच्छा, सोमनाथ कहो या सैमी, मगर मैं आप लोगों को ये कचरा पट्टी म्यूजिक नहीं बजाने दूंगा। This man is a big problem. ऐसा ही रहा तो हमको ये घर भी छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने से अच्छा हम इसको रास्ते पर लाएं। हाँ,
Now that is a good idea. Come on, boys, let's go. Boys, ab Sammy ki chutti. Ab maza aayega. Bilkul bas. Kahi dollar jal jaye, kahi chawal na jal jaye. Hi, Sammy boy. Ab kya hai? Come on, Sammy. Peace, peace. शांति सैमी, नो मोर फाइट्स, तुम जीते। मैं हमेशा जीतता हूँ, दिस इज माय सिस्टम। आई लाइक योर सिस्टम सैमी। आई ये क्या सैमी, तुम बीड़ी पीते हो? सेठ और सेठानी नहीं होता है ना, तभी कभी कभी। हाँ, नॉटी सैमी। मगर सैमी, बीड़ी ओल्ड फैशन है, तुम्हारा मॉडर्न नाम के साथ अच्छा नहीं लगता। ये लो सैमी, ये लो सिगरेट पिया। नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये हमने कभी नहीं पिया। हाँ, पहले तुम सोमनाथ थे, अब सैमी हो, ये लो पियो। अच्छा पीता हूँ बाबा, लेकिन फिर तुम लोग म्यूजिक बजाना तो नहीं शुरू कर दोगे ना? नो सैमी, नो मोर म्यूजिक, आई प्रॉमिस। हाँ, नहीं okay? तो मैं पतीला बजाऊंगा। नहीं, जलाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब तो लगता है कि सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे और मैं दुनिया के ऊपर। नो स्टे देयर, वहीं रहो। अच्छा, और ऊपर गया। और ऊपर गया। कैसा? हवा में लटक रहा है। एक जगह पर लटक रहा है। वो भी बिरेट। सॉरी सर, हम इस फ्रेम के पैसे दे सकते हैं। वी कैन पे फॉर इट। कितने पैसे दे सकते हैं? कितने? गिव मी द मनी यू गॉट फारूक। हे यू आर स्वेट।
कितनी कीमत है? 20 रुपए। 20? ये ले लीजिए। ये किसका पैसा है? हमारा। तुम्हारा या तुम्हारे मां बाप का? मुझे तुम्हारी अपनी कमाई में से 20 रुपए चाहिए। है तुम में से किसी एक के पास? जिस दिन तुम कमा लोगे उस दिन दे देना। इस वक्त तुम इसका मूल नहीं जान सकते क्योंकि तुम्हारा अपना कमाया हुआ पैसा नहीं है। इस समय तो तुम शोर शराबा और नशे की दवाओं का सहारा लेकर जिंदगी से भागने की कोशिश कर रहे हो और किसी भी चीज से भागना उसका हल नहीं होता। जो समय तुम फालतू बर्बाद कर रहे हो अगर उसका सही उपयोग करो तो तुम क्या नहीं कर सकते? लेकिन कुछ करने की आजादी हो तब ना सर। हर चीज के लिए हमें अपने मां बाप पर डिपेंड करना पड़ता है। कोई भी फैसला हम खुद कर ही नहीं सकते और उन्हें कभी अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं तो कुछ बात समझने को तैयार ही नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें समझने की कोशिश की? उनके ढंग से सोच के देखा है? सर वो पुराने ढंग से सोचते हैं। जो आज नया है वो भी तो कल पुराना होगा। एक दिन तुम भी उनकी उम्र में पहुंचोगे तब तुम्हारे और आने वाली पीढ़ी के विचारों में भी फर्क होगा। फिर आप ही बताइए सर, जब हमारे विचारों में फर्क होगा तो हम एक साथ कैसे रह सकते हैं? यही फर्क हमें मिटाना है। नदी के दो किनारे जरूर होते लेकिन जब उन पे पुल बन जाता है तो उनके बीच की दूरी खत्म हो जाती है। ये पुल हमें बनाना है ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का फासला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बच्चों मेरी बात पे गौर करना। सर, मैडम, ये जो कुछ हुआ हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज सर, प्लीज मैडम, हमें अपना बेटा समझकर माफ कर दीजिए। हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। हम लोग जा रहे हैं। नहीं बेटे, शायद मैं ही ज्यादा गुस्से में थी। अब तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, तुम लोग यहां रह सकते हो। नहीं मैडम, हम कहीं और नहीं, अपने घर जा रहे हैं, अपने माँ बाप के पास, और फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मुझे खुशी है तुम लोगों ने सही फैसला किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सर, प्लीज मैडम, विथ योर परमिशन मे वी सिंग अ फ्यू लाइंस बिफोर वी गो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, कम ऑन। 1, 2, 3, 4. He's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow. And so say all of us, and so say all of us, and so say all of us, for he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow.